गडचिरोली शहरातील एका 10 वर्षीय मुलीची क्रीडा प्रकारातील राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी निवड झाली आहे. एंजल देवकुले या मार्शल आर्ट खेळाडूची राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी निवड झाली असून एंजलनं सिकाई मार्शल आर्ट या प्रकारात देशाकरिता कित्येक सुवर्ण पदके पटकावली आहेत. त्यामुळे येत्या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तानं तिचा या पुरस्कारानं गौरव केला जाणार आहे. केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या वतीनं एंजलला हा पुरस्कार दिला जाणार असून तिच्या या कामगिरीनं गडचिरोली जिल्ह्यात आनंद व्यक्त केला जातोय. गडचिरोली शहरातील एंजल देवकुले या 10 वर्षीय मुलीवर कौतुकाचा वर्षाव होतो आहे. त्या चिमुकल्या खेळाडूला राष्ट्रीय पुरस्कारानं गौरवण्यात येणार असून क्रीडा नवीनासाठी तिचा गौरव होईल. येत्या 24 जानेवारीला नवी दिल्लीत राष्ट्रपतींच्या हस्ते एंजलला राष्ट्रीय बाल क्रीडापटू पुरस्कार दिला जाणार आहे. एंजल ही मार्शल आर्टची खेळाडू असून सिकाई मार्शल आर्ट या प्रकारात तिनं देशासाठी कित्येक सुवर्ण पदके पटकावली आहेत. एंजल ही गडचिरोली शहरातील स्कूल ऑफ स्कॉलर्सची विद्यार्थिनी असून यावर्षी ती इयत्ता 5वीत आहे. या चिमुकल्या मुलीनं आतापर्यंत 1-2 नव्हे तर तब्बल 40 सुवर्ण पदके प्राप्त केली असून जगातील सर्वाधिक कमी वयाची मार्शल आर्ट खेळाडू आशिया अवॉर्ड यासह जिल्हा गौरव पुरस्कार असे विविध सन्मान एंजलनं पटकावले आहेत. आता प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तानं तिचा राष्ट्रीय पुरस्कारानं गौरव होणार असल्यानं एंजलसह तिच्या पालकांनी हर्ष व्यक्त केलाय. अत्यंत कमी वयात एंजलनं हे यश गाठलं असून परिश्रम आणि प्रशिक्षकांचं मार्गदर्शन या बळावर तिनं हे यश मिळवलं असल्याची प्रतिक्रिया एंजलच्या पालकांनी दिली आहे. एंजलला आजवर शिकाई मार्शल आर्ट या क्रीडा नैपुण्यासाठी देश विदेशात गौरवण्यात आल्याची माहितीही तिच्या पालकांनी दिली. एंजल देवकुले या चिमुकलीनं एका फारशा प्रसिद्ध नसलेल्या क्रीडा प्रकारात आपलं कौशल्य नेटानं परिश्रम घेत सिद्ध केलं म्हणून तिची राष्ट्रीय सन्मानासाठी निवड झाली असून देशाच्या राष्ट्रपतींच्या हस्ते तिचा गौरव होणार आहे. आणि 10 वर्षीय एंजलचा हा गौरव जिल्ह्याच्या आणि देवकुले कुटुंबाच्या यशात मानाचा तुरा रोवणारा आहे. याविषयी मार्शल आर्ट खेळाडू एंजल देवकुले आणि प्रशिक्षक संदीप पेदापल्लीवार यांच्यासह एंजलचे वडील विजय देवकुले आणि आई स्वाती देवकुले यांच्याशी साधलेला संवाद. मार्शल आर्ट खेलती हूँ. मैंने अभी तक नेशनल इंटरनेशनल लेवल में 40 गोल्ड मेडल जीते हैं और 12 रिकॉर्ड बनाए हैं. इसलिए मेरा चयन सिलेक्शन बाल शक्ति पुरस्कार के लिए हुआ है. इसका श्रेय मैं प्रशिक्षण मेरे कोच को देना चाहता हूँ. एंजल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ. एक्चुअली में उसने गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट का नहीं तो पूरे महाराष्ट्र स्टेट का नाम रोशन किया है. आज उसका राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार के लिए सिलेक्शन हुआ है और वो जल्द ही राष्ट्रपति भवन में श्री माननीय राष्ट्रपति के हाथ से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार लेने जाने वाली है. और वो अभी फिलहाल स्कूल ऑफ स्कॉलर 5th स्टैंडर्ड में शिक्षा ले रही है. सपोर्ट सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि खुद एंजल का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है और उनके साथ ही साथ उनके माता पिता का भी उतना योगदान है. एंजल प्रैक्टिस के लिए कभी भी मना नहीं करती है. वो मींस प्रैक्टिस के प्रति और अपना गेम स्क्वाय मार्शल आर्ट उसके प्रति उसके पूरे मन में एक जुनून सवार है. तो उसी का नतीजा है कि उसने अब तक के राज्य स्तर से लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक कुल 40 गोल्ड मेडल हासिल किया है उसने और उसके नाम पे 12 रिकॉर्ड्स अब तक के दर्ज हो चुके हैं. हो रही है कि मैं खुशियाँ कैसे व्यक्त करूँ समझ में नहीं आ रहा है. बहुत ही जबरदस्त खुशियाँ मिली है मुझे और मेरे जीवन का बहुत बड़े गौरव की बात है मेरे लिए कि मेरी बेटी 10 साल की एंजल ने इतना कुछ मुझे दिया है इस छोटी सी उम्र में कि मैं ये बयान नहीं कर पा रहा हूँ. इतना खुश हूँ अंदर से और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में वो ऐसे निरंतर आगे बढ़ते रहे और एक दिन ऐसा आए कि वो भारत रत्न से सम्मानित हो ऐसा मुझे लगता है. एंजल को जिस प्रकार का खेल में सपोर्ट चाहिए पूरा मैं उसको देता हूँ. उसके साथ साथ उसकी मम्मी पूरा उसको सपोर्ट करते रहती है और वो सुबह शाम दोपहर में ऐसे तीनों टाइम उसकी लगातार प्रैक्टिस चलते रहती है. हमेशा यानी बारिश रहे गर्मी रहे ठंडी रहे उसकी प्रैक्टिस निरंतर चालू रहती है.
त्यौहार रहे, कोई भी त्यौहार हो, लेकिन वो एक बार का त्यौहार नहीं देखेगी लेकिन प्रैक्टिस जरूर करेगी। वो स्पेशली कि वो एक गर्ल है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसने अभी तक 40 गोल्ड जीते हैं अपने स्क्वाय मार्शल आर्ट में, जिसने नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल के गोल्ड मेडल शामिल हैं। और वो बहुत हार्ड वर्कर है, इसलिए वो हमेशा आगे बढ़ते जा रही है। उसने 12 रिकॉर्ड्स भी बनाए हुए हैं अपने ही गेम में। मुझे उसका और भी बच्चों का, उससे इंस्पिरेशन लेकर और भी बच्चे आगे बढ़ना चाहिए और इसी तरह के बड़े बड़े पुरस्कार हमारे ज़िले में आए, मुझे यही अपेक्षा है और बच्चों से। वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है हमारे ज़िले के लिए, हमारे परिवार के लिए, खुद उस बच्चे के लिए, उसके स्कूल के लिए, एज ए मदर के मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। लोग बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम अभी बोलना चाहिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ।